से बात करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान की विधायक रेणु देवी हमारे पास मौजूद है। मैम, लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो सदन चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारा कोई आरोप नहीं है, हम लोग सदन कैसे नहीं चलने देंगे। सही बात अगर हम पूछेंगे कि भ्रष्टाचारी हमारे जो जिस पर चार्जशीट हुआ है उनको पहले जो वर्तमान में आप देखे होंगे कि पहले में जो भी कोई था अगर कोई भी चार्जशीट का हवा आता था उन्हें रिजाइन करा दिया जाता था, इसमें फिर क्यों नहीं रिजाइन कराया गया। क्योंकि जैसे अभी आज का ही आप केस देख लीजिए, अल्पसूचित प्रश्न में कहीं अपने पार्टी को 5 सवाल पूछने का अधिकार और कहीं विपक्ष को 3 सवाल भी पूछने का अधिकार नहीं है। उतना समय बिताने का क्या मामला है, जबकि सबका अधिकार बराबर है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। अगर कोई आईना आता है सरकार के प्रति, क्वेश्चन आता है, तो जवाब देने का सरकार का अधिकार होता है और काम करने का भी अधिकार होता है। हम सबका अधिकार है काम करने का, उसमें भी भेदभाव हो तो निश्चित रूप से चलेगा ही विपक्ष का। गठबंधन के लोगों का कहना है कि बीजेपी जब विपक्ष में थे हैं तो भी हम लोग को बोलने नहीं देते, जब पक्ष में थे सरकार में थे तो भी हम लोग को बोलने। ऐसा कोई बात नहीं है, विपक्ष में थे तो आप देखे होंगे वही स्पीकर विजय सिन्हा कितने उनको प्रोत्साहन देते थे, और आज तो मैंने अध्यक्ष जी देखते भी नहीं है विपक्ष के तरफ। कहना ये है कि बीजेपी जिस तरह से तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होने पर परेशान है, तो जिस तरह से लालू यादव वोट पाए गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो तो कार्रवाई उन पर हुई। यहाँ कोई परेशान नहीं है, न्याय संगत बात करते हैं। तो सदन 2 दिन बच गया मैम, तो सदन सही से चल पाएगा? देखिए, मेन है कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा, आज 1700 करोड़ का पुल गिर गया, उसका क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं है। आज इतने जो हमारे सरकार भवन बन रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आखिर हम लोग किस लिए आए हैं? हम लोग जनता के काम के लिए ना आए हैं जी? जनता का काम नहीं करेंगे तो हंगामा करेंगे? तो देखिए, सब तक उन्होंने कह दिया है कि हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं और जनता की मांग काम नहीं होगा तो फिर हंगामा, काम नहीं होगा तो हम लोग हंगामा करेंगे। ऐसे में क्योंकि जो इस बार मानसून सत्र के दौरान जो मुद्दा है सबसे ज्यादा, वो मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव के इस्तीफा को लेकर अरे हो गए। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी जिस समय सरकार में हम लोग थे तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोग जो माननीय है चार्ज शीटेड हुए हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो फिर इस बार नीतीश कुमार इतने अस्थिर और शांत क्यों है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले रहे हैं? ऐसे में देखना होगा कि ये मानसून सत्र जो 5 दिन का है वो लगातार इसी तरह से हंगामेदार रहता है या फिर कुछ जनता की इसमें भी काम होती है। क्योंकि 5 दिन का मानसून सत्र था, 3 दिन यूं ही चला गया, कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में कार्रवाई में बाधा तो हो ही रही है और बीजेपी का आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष महोदय है वो भेदभाव बरत रहे हैं। फिलहाल के लिए पटना से।